हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में देखें, ये है कान्हा जी का बेड। इसके लिए हम बेडशीट, कंबल यही सब बनाने वाले हैं ऊन से, वो भी एकदम सिंपल और आसान तरीके से। देखें, इस पे आप कोई भी गद्दा वगैरह बिछा लें कान्हा जी का, और उसके बाद ये जो हमने बेडशीट बनाई हुई है इसे आप इस पर इस तरह से बिछा लें। ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसे बिछा दिया है। अब इसके बाद ये देखें, ये है इनकी ब्लैंकेट जो कि मैं ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रख दूंगी। ये देखें, ये इस तरह से रखा रहता है तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, और जब भी आपको उठाना हो तो आप आसानी से इसे खोल के उठा सकते हैं। इस बार मैंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम सॉफ्ट है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि आप किस तरह से इसे सॉफ्ट बना सकते हैं। और ये देखें, ये है इसके साथ मैचिंग की पिलोज़। ये मैंने इस बार दो बड़ी बड़ी पिलो बनाई है और एक छोटी सी सेंटर के लिए बनाई हुई है। ये देखें, इस तरह से। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बुनना बताने वाली हूँ, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैंने दो तीन कलर के ऊन का यूज़ किया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये तीन कलर में ऊन लिया हुआ है। इसे हम बनाएंगे कान्हा जी की ब्लैंकेट, या फिर इसे कान्हा जी की शॉल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम सुबह में उठाते हैं कान्हा जी को, तो बिठाते वक्त हम जरूर वही ब्लैंकेट उठा देते हैं, क्योंकि ऐसे ठंड में उठा के डायरेक्ट हम ऐसे खुला नहीं बैठा सकते। चाहे आपने कान्हा जी को कितना भी स्वेटर वगैरह पहनाया हो, बट थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो हम जरूर उनका ब्लैंकेट उन्हें उठा देते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उनके लिए लचीला ब्लैंकेट बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बनाऊंगी देखिए 3 mm की क्रोशिया हुक से। इसमें लचीला होगा, इसमें सब कमाल हमारी हुक का रहेगा, क्योंकि हमने मोटी हुक ली हुई है। ये देखें, नॉर्मल अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इस तरह के ऊन के लिए देखें 2 mm की क्रोशिया हुक यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी कितनी पतली है और ये वाली हमारी कितनी मोटी है। तो हम थोड़ी सी मोटी हुक का यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बताऊंगी। किसी भी एक कलर से इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। सभी ऊन को हम साइड में करेंगे और येलो कलर का ऊन हम ले लेंगे। बहुत इजी सा डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमें यहाँ पे एक लूप बनानी है, ये हमने बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें 50 चेन बनानी है टोटल। तो देखें, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके यहाँ पे हम टोटल 50 चेन बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 50 चेन बनाई थी, बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 10 चेन बढ़ा ली। टोटल 60 चेन बना लिया। अभी बन जाएगा तो मैं आपको इंच टेप से मेजर करके बता दूंगी कि कितने इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई आई हुई है। अब देखिए, हमें यहाँ पे किस तरह से बुनना है, एकदम सिंपल हम बुनेंगे। ये देखिए, एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम एक और दो दो चेन छोड़ेंगे, और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से करके इस तीसरी चेन में ये देखें डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमने बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ जो अगली चेन है इसमें हमने डबल क्रोशिया बुन दिया। इसी तरह हमें यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुननी है। तो चलिए मैं इसे बुन लेती हूँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखें, यहाँ पे हमारी ये वाली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैंने यहाँ पे देखें, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ एक चेन बनाया और इसे ऐसे लंबा करके छोड़ दिया। अब हम इधर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारी जो ये चेन है इसमें हमने इस तरह से ऐसे डालना है, और कोई भी एक कलर आप यहाँ से निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे देखें, आप तीन कलर मैंने लिया हुआ है, आप दो कलर में भी इसे बना सकते हैं। देखें, इस तरह से निकाला। अब यहाँ पे हमें एक और दो दो चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें हमने डालना है इस तरह से, ऐसे करके फंदे को निकाला, हल्का सा लंबा किया और बुन दिया डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए, अगली जो ये हमारी अगली वाली देखें, ये है डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर की ये चेन है, तो इस हम चेन में डाल के बुनेंगे। अगले वाले हमें डबल क्रोशिया में नहीं बुनना है। अब फिर इसके बाद देखिए, ये इस वाले के देखें, इस वाले के तो हमने चेन में डाल के बुन दिया। अब इसके बाद ये वाली है अगली हमारी, तो इसमें यहाँ डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे। हमने यहाँ पे 60 चेन बनाई है, तो ये नहीं कि ये आपका बढ़ेगा या घटेगा, ये उतने का उतना ही रहेगा जितनी डबल क्रोशिया आपके नीचे है। अब देखिए, इसके ऊपर इसके बाद ये वाली है डबल क्रोशिया, तो इसकी ये चेन है, तो इस चेन में हम डाल के बुन देंगे। अब अगला वाला देखें,
अगला वाला ये चेन आ रही है, तो चेन में ना बुन के यहाँ डबल क्रोशिया में बुनना है। एक बार आपको डबल क्रोशिया में डाल के बुनना है और एक बार आपको चेन में डाल के बुनना है। अब अगली बार हमारे आएगी, देखिए इसे हम चेन में डाल के बुनेंगे इस तरह से। ऐसे करके ये हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। एक बार ये आपका डबल क्रोशिया में बुन रहा है और एक बार पीछे बुन रहा है। तो चलिए पूरी रो कंप्लीट कर दूँ, लास्ट में आके आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए ये हम बुनते हुए लगभग एंड तक आ गए हैं। आप क्या करें, इसे आप पहले भी कट कर सकते हैं और आप चाहें तो अभी भी कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी में फंसा भी सकते हैं। तो मैं आपको कट करके ही बता देती हूँ, क्योंकि फंसा के बताऊंगी तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आप में से कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। तो परेशान नहीं करना है किसी को, हम इजी तरीके से बनाएंगे। ये जो हमारा ऊन निकला है, इसे आप इस तरह से बराबर करके यहीं पर पकड़ लें। आप पहले ही इसे कट करके निकाल लें। अब देखिए हम इसे किस तरह से बुनेंगे। ये अभी मैंने यहाँ से डबल क्रोशिया में डाल के बुना है, अब ये चेन में डाल के बुन रही हूँ। पीछे से हमारा येलो वाला ऊन यहीं पे फंसा हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमने बुना। अब अगला वाला हम ये डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे। ये हमने इस तरह से बुन दिया। फिर हमें अब अगली वाली चेन में बुननी है। येलो वाला ऊन यहीं पर देखें फंसा हुआ है हमारा, और यहाँ से ये जो येलो वाला है इसे भी आप यहीं पर पीछे करके फंसा सकते हैं। चलिए तो इसे भी पकड़ ही लेते हैं हम इस तरह से। अब अगला वाला हम यहाँ डबल क्रोशिया में बुनेंगे। ये हमने बुन दिया। और अब लास्ट वाला जो है वो चेन में बुनेंगे। ये हमने देखिए इस तरह से बुन दिया। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। बस यहीं पे हम नॉट लगा के कट कर देंगे इस तरह से। नॉट लगा कट कर लेने से ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये हमने एक चेन बनाई और कट कर दिया। अब जब हम इधर से अपना थर्ड कलर लगा के बुनते हुए आएंगे, सेम तरीके से बुनना है, तो फिर हम इसे भी यहाँ पे दबा लेंगे। तो चलिए थर्ड कलर भी लगा के एक बार बुन के दिखा देती हूँ। ये देखें यहीं पे हमें इस तरह से ऐसे डालना है इसी में, और अपना कलर लगाएंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, और बहुत ही खूबसूरत सा हमने कलर भी पिक किया हुआ है, तो कलर की वजह से ये और भी सुंदर लगेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर लगाया। लगाने के बाद हमने एक दो चेन बनाई। अब ये जो हमारा उठा वाला है इसी में हम डालेंगे और उठा वाला बुनेंगे। ये देखें ये इस तरह से ये हमने बुन दिया। और बुनने के बाद फिर हमने इस तरह से किया। अब इसके बाद हमने ये चेन में बुना था, तो हम यहाँ पे डाल के अपनी चेन में बुनेंगे। फिर देखिए उठा वाला आ गया, तो हमने उपरे वाले में डाला इस तरह से, और डालने के बाद ये बुन दिया। ऐसे ही अभी हमारा लंबा होता चला जाएगा। फिर देखें ये चेन आ गई, तो हम चेन में डाल के बुनेंगे। और फिर अगले में हमें चेन में नहीं, ये उभरे वाले में अपने बुनना है, तो इसमें डाल के हमने बुन दिया। ये देखें इस तरह से। अब हम इसे ऐसे ही लंबा करते चले जाएंगे। चलिए अब मैं इसे लंबा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना लंबा बुन लिया है। अगर सिर्फ एक कलर आपको दिखाऊं तो देखें येलो कलर से शुरू किया था। एक बार येलो कलर आया है, दो बार आया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवें पे हमारा ये खत्म हो गया है। इधर ये देखिए मैंने बॉर्डर बना लिया है, सेम ऐसे ही बॉर्डर हम इस साइड भी बनाएंगे। तो चलिए आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। आप चाहें तो इसे और भी लंबा बुन सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से हमें अपनी हुक लगानी है, और इधर देखिए इस साइड मैंने ये अपना पिंक कलर से बॉर्डर बनाया हुआ है। येलो कलर आया था तो इसके बाद मुझे ये पिंक ही लगाना था, बट इधर देखें ये हमारा पिंक लगा हुआ है, तो इधर हम अपने इस कलर से बॉर्डर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ऊन लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये हमें इस तरह से ऊन को लगाना है। लगाने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। ये देखें ये 1, 2, 3 और ये 4 हमने 4 चेन बनाई। इस तरह से करेंगे, यहाँ पे सेम जगह पे डालेंगे। सेम चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, देखिए 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला हमने, डबल क्रोशिया बनाई। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाला और डबल क्रोशिया हमने बनाई। 3 बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है सेम जगह डाल के, ये इस तरह से। उसके बाद हमें देखें यहाँ पे ये आप चेन गिने, देखें 1, 2, 3 तीन चेन आपको छोड़नी है, और जो चौथी चेन आएगी उसी में हम इसे इस तरह से फंदे को निकालेंगे और ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है इस तरह से। अब फिर हमें यहाँ पे वही चीज़ करना है, 1, 2, 3, 4 चार चेन बनाई। अब यहीं सेम चेन में डाल के देखिए इसी जगह पे हमें डबल क्रोशिया बुननी है। ये एक बार हमने बुनी, फिर इस तरह से किया, यहीं सेम जगह डाल के फिर से हमने डबल क्रोशिया बुन ली। फिर इस तरह से किया, यहीं सेम जगह डाल के
फिर हमने डबल क्रोशिया बुंदी, देखिए तीन बार हमने बुन दिया है, फिर हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन का गैप देने के बाद चौथी चेन में हम इसे इस तरह फंदे को निकालेंगे और इसी फंदे को यहाँ से भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा आएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। अभी देखिए हमारी ब्लैंकेट तो यहाँ पे ये रेडी हो गई, हमने इससे ऊपर भी बॉर्डर बना लिया है। अब हमने यहाँ पे 55 चेन बनाई है अपने गद्दे के लिए, जो हम बेडशीट की तरह यूज़ करेंगे। अब देखें ये एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हमें एक और दो, दो चेन छोड़नी है, और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से करेंगे और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे करके हमने बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमने बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसे बना दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न करना है। इस तरह से हमने टर्न किया, टर्न करने के बाद देखिए इस तरह से एक और दो, दो चेन बनाई। यहाँ से जो छोटा सा ऊन है इसे हम इसी में पकड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे देखें अब जो फर्स्ट चेन है इसमें हमने डालना है और डबल क्रोशिया बुन देनी है। ये हमने बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये देखें फिर इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, डबल क्रोशिया बुन दी। इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और देखिए जब एंड में आप आएंगे तो ये आपको में दिखेगी चेन, और देखिए एक ये चेन हमारी थोड़ी सी दबी रहती है इसी में, तो इसमें भी आपको बनाना है। ये नहीं कि आप इसे छोड़ दें, ये लास्ट वाले में भी आपको बुनना है। सभी चेन में एक एक बार आप डबल क्रोशिया बुन लें। चलिए बुन लेती हूँ, और जिस तरह से हमने यहाँ पे अपनी सेकेंड रो स्टार्ट की है वैसे ही हम यहाँ आगे बुनते और इसे लंबा करते चले जाएंगे। तो चलिए हम इसे लंबा करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ये देखिए मेरे यहाँ पे ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी लास्ट चेन तक बुन दिया है। बस इसे अब हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद ये देखें ये एक और दो, दो चेन बनाई इस तरह से किया, और फिर यहीं फर्स्ट चेन से हम बनाते चले जाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखें कहीं से आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, एकदम अच्छा सा आपका बराबर सा आता चला जाएगा ये इस तरह से। बस अब ऐसे ही मैं इसे लंबा करूँगी। चलिए कर लूँगी अब लंबा, तब आपको बताऊँगी। मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ये देखिए इसके दोनों साइड हमने कर दिया है, अब इसे हम साइड कर देते हैं। और ये भी देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने देखिए आप कितनी रो बनाई हुई है। ये देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, टोटल 20 रो बुनी हुई है। तो ये भी हमारा देखिए कितना अच्छा सा पीस रेडी हो गया है। इन स्टेप से मैं आपको मेज़र करके दोनों को दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इसकी ये जो लंबाई है वो हमारी 11.5 इंच के करीब में है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 8.5 इंच है। और इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ लंबाई और चौड़ाई। ये देखें इसकी जो चौड़ाई है हमारी 13 इंच के करीब में है, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 9.5 इंच के करीब में। थोड़ा सा बड़ा रहता है ये। अब देखिए हमें यहाँ पे ये इस तरह से पिलो बनानी है। ये देखिए मैंने थोड़े से बड़े साइज की बनाई है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अपना 20 चेन में सेम डिज़ाइन बुन लिया है जैसे ब्लैंकेट में हमारे, सेम वैसे ही है हमारा ये। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इस तरह से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए दोनों की सीधी साइड ऊपर रखनी है और इन्हें ज्वाइंट करना है। अब इस पर हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे किस तरह से बुनेंगे, इन दोनों को पकड़ना है इस तरह से, यहाँ पे डालना है, और हमने यहाँ पे फंदे को निकाला। निकालने के बाद हमने देखिए एक चेन बनाई इस तरह से करेंगे, और फिर यहाँ पे दोनों आगे पीछे दोनों हमारा पकड़ाना चाहिए इसमें, और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से जो भी ऊन हो इसमें अंदर आप डाल दें। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, हाफ डबल क्रोशिया बुन दी। फिर इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, पीछे से भी आपको पकड़ाना चाहिए और हाफ डबल क्रोशिया बना दी। फिर सेम चीज़ हमें करनी है। ये देखें अब जब आपकी कोनाई आएगी तो कोनाई पे हमें तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक ही जगह डाल के। तो देखिए एक बार मैंने बुन दिया, अब यहीं सेम जगह डाल के दोबारा बुन दिया, और यहीं सेम जगह डाल के हमने तिबारा बुन दिया। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छा सा गोल सा हल्का सा लुक आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऊन है सब मैंने अंदर कर दिया, और यहाँ पे अब वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बुनूंगी। ये देखें इस तरह से हमें इसे बुनते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाना है। ऊपर हम थोड़ी दूर छोड़ेंगे रुई डालने के लिए। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है।
ये देखिए हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद देखिए इतना दूर मैंने छोड़ दिया है, जो भी धागे थे सब मैंने अंदर डाल दिए हैं, अंदर ही हाइड हो जाएंगे। ये मैंने फाइबर लिया हुआ है, इसे अगर आप धोलेंगे तो भी ये नहीं सिकन आती है इसमें, ये टेडी बियर वगैरह में डाला जाता है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ना डाल दें, नहीं तो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता है बिल्कुल भी, फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा कान्हा जी के लिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस उतना ही डालेंगे जिसमें इतनी हमें जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो मैंने इस तरह से डाला, हल्का सा और मुझे डालना पड़ेगा, ये भी बीच में यहाँ पे देखें खाली है, तो बस हल्का सा यहाँ पे डाल दिया, ये हमारा हो गया। अब ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम कंफर्टेबल है कान्हा जी के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ये हम अपना बुनना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सरक गया है निकालने के बाद भी, इस तरह से ये देखिए हमने इसे लंबा किया था, बस इसे हमने हुक में डाला और सही कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से करना है, एक आगे की और एक पीछे की इस तरह से चेन लेते हुए दोनों को ज्वाइंट करते हुए और बुनते चले जाएंगे। बहुत ही इजीली ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में इसे। ये देखें इस तरह से, बस आप कोशिश करें कि ये जो आप छोड़ रहे हैं बीच में गैप, वो ऐसे किसी बराबर जगह पे रहे जहाँ पे आपको ज्वाइंट करते वक्त सिर्फ सीधा सीधा बुनना हो, ये नहीं कि आप कहीं कोनाई या गोलाई में इसे छोड़ दें, जैसे यहाँ पे अगर आप छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप कोशिश करें कि ये आपकी सीधी सीधी जगह रहे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऊन भी यहीं पर अब ख़त्म हो गया है और ये कंप्लीट भी हो गया है। इस तरह से मैंने नॉट लगाई, लंबा करके खींच दिया, तो ये देखिए हमारी पिलो इस तरह से आ गई है। आप चाहे तो इस पर आउटलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक ऐसे सर्कल में भी पिलो बनाएंगे, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 4-5 पिलो चाहिए होती है कान्हा जी के लिए मुझे, तो मैं देखिए इस तरह से बनाऊंगी। यहाँ पे हमें येलो कलर चाहिए सेंटर में लगाने के लिए, तो हमने यहाँ पे येलो कलर से इस तरह से एक लूप बनाई। अब इसमें हुक को डालेंगे और डालने के बाद देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 चेन बनाई। फर्स्ट चेन में हमने डालना है, डालने के बाद फंदे को निकालेंगे। ये देखें ये यहाँ पे छोटा सा सर्कल मिल गया। अब हमने 2 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। अब इसी छोटे से सर्कल में डाल के हमें टोटल 12 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई 2 चेन को लेते हुए, और ये हमारी 3 बार हो गई। इसी तरह हम यहाँ पे सेम जगह डाल के टोटल 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। यहाँ पे हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दी। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना ये पिंक कलर लगा लेना है। देखें इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, लगाने के बाद येलो वाले को खींच के और कट कर देंगे। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब पिंक वाले से ही हमें बुनना है। आप देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे हमने ये 1 और 2 2 चेन बना ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इस तरह से करेंगे और जो हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें हमें डालना है, और इस तरह से किया हमने यहाँ पे बुन लिया एक बार। अब देखिए अगले वाले ये जो चेन है इसमें हम बुनेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे हमें गैप नहीं देना है, जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से उठा के बुन देंगे। तो नीचे हमने 12 बनाई है तो ऊपर हमारी ये टोटल 24 आ जाएगी। एक बार हम चेन में से बुन रहे हैं और एक बार हम यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया में से बुन रहे हैं। ये देखें एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया से, तो ऐसे मैं अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है, चले कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी में बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद 1 चेन बना के और कट कर देना है। ये हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया, सेम ऐसा ही मैंने एक बना के रखा हुआ है और एक हमने ये बना लिया। अब हमने यहाँ पे अपना थर्ड कलर ले लिया है, इन दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए दोनों का सीधा हिस्सा हम फ्रंट पे रखते हुए ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे करके बुनेंगे। ये देखें ये हमने 1 चेन बनाई, इस तरह से किया। अब अगली चेन से हम अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, ये ऐसे करके। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, सभी चेन में सिर्फ एक एक बार बना के हमें अपना ये रो कंप्लीट करना है। ये देखें पूरा नहीं बुनेंगे, थोड़ी दूर हम छोड़ेंगे अपना रुई डालने के लिए। तो चलिए मैं इसे थोड़ी दूर तक बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है।
ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी ये गोल वाली पिलो कंप्लीट कर दी। इस पे हमने इस तरह से बॉर्डर भी बना दिया है, जैसे हमने अपने ब्लैंकेट पे बनाया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी बना दिया। और हमने अपने इन दोनों पिलोज पे भी देखें बना दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है बना देने से, और भी ज़्यादा ये हमारी हाईलाइट हो रही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें कैसे इसे, ये है कान्हा जी का बेड, यहाँ पर इस तरह से रखूँगी। अब इस पर हम, आप पहले उनकी जो भी आप गद्दा वगैरह बिछाते हों वो भी छा लें, और उसके बाद से ये बेडशीट के तौर पे बिछा लें। ये थोड़ा सा लंबा है इस बार, पिछली बार मैंने जो बनाया था वो एकदम परफेक्ट था, बट ये इस बार थोड़ा सा लंबा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद हम ये दोनों पिलोज़ लगा देंगे, एक देखें यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह से, और फिर सेंटर में अपने ये वाली पिलो लगा देंगे। और इधर हम ये कान्हा जी का ब्लैंकेट जो है वो फोल्ड करके और रख देंगे। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ये ऐसे करके रख दूँगी। आप देखें ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं थोड़ा सा और कैमरे को ऐसे पीछे करती हूँ। अब देखिए आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।